सावन शिवरात्रि 2023 में कब है? 15 या 16 जुलाई कब है? जी हाँ दोस्तों, 2023 में सावन शिवरात्रि कब है? कांवड़ यात्रा 2023 और सावन कांवड़ यात्रा 2023 डेट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सावन शिवरात्रि 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कुछ लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं जो पुरानी वीडियो पर मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी शिवरात्रि जो है वो 16 तारीख की है, कांवड़ का जल 16 में चढ़ेगा कि 15 में चढ़ेगा और 15 में है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो उनके लिए स्पेशली वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ ऐसे ऐसे भक्तों के लिए जो लोग हरिद्वार जाएंगे इस बार कांवड़ लेके आएंगे और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई ऐसी नई नई जानकारियाँ पाना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, सारी शिवरात्रि पर्व से जुड़ी नई नई जानकारियाँ पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं। देखिए इस बार कांवड़ यात्रा, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो में बताया है गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 में है, यानी 3 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा से एक दो दिन पहले से ही कांवड़ जो दूर जाने वाली कांवड़ होती हैं वो पहले से ही जो पैदल लेकर जाते हैं शिव भक्त, तो वो पहले से ही ले जाने लगते हैं, तो इसलिए 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ पूरी तरह से हो जाएगी और धीरे धीरे जो है वो शिव भक्तों की भीड़ बढ़ती जाएगी। दोस्तों बात करें त्रयोदशी तिथि की, तो त्रयोदशी तिथि इस बार 15 जुलाई को है, शनिवार को रात्रि में 8:30 या 31 मिनट तक, लगभग 8:30 बजे तक त्रयोदशी तिथि है 15 जुलाई में। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आसान भाषा में बता रहा हूँ कि कांवड़ का जल चढ़ाने के लिए जब त्रयोदशी समाप्त हो रही है और चतुर्दशी आने वाली है, तो जब त्रयोदशी 8:30 बजे समाप्त हो जाएगी तो कांवड़ जल चढ़ाने के लिए लगभग रात्रि में 10:30 बजे का समय समथिंग उपयुक्त आ जाएगा। तो इसलिए बात आज डेट की चल रही क्योंकि, तो इसलिए 12 बजे की तारीख बदलती है, उससे पहले ही आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना है, 15 जुलाई की रात्रि में ही कांवड़ का जलाभिषेक होगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, कांवड़ शिवरात्रि जो है इस बार जो है शिवरात्रि का पर्व है वो 15 जुलाई दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा और कांवड़ जल चढ़ाने के लिए 15 जुलाई की रात्रि को ही कांवड़ का जल चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों स्पेशली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिससे उन्हें सभी को जानकारी मिल सके, लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको क्लियर करने के लिए बता दिया है कि कब से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और कब तक होगी चलेगी कांवड़ यात्रा और कब का जल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और दोस्तों आप नई और इस वीडियो में आप देख भी रहे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी का लेटेस्ट ताज़ा व्यू है। दोस्तों अभी कांवड़ बनने के लिए ऊपर भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, अभी कांवड़ बनने स्टार्ट नहीं हुई है, अभी दुकानदारों ने माल मंगाना शुरू कर दिया है, माल की डिलीवरी उन्हें हो रही है, धीरे धीरे अब स्टार्ट हो जाएंगी कांवड़ बनना भी, क्योंकि काफ़ी दिन है 25-30 दिन बचे हुए हैं, तो इसलिए अभी जो है कोई कांवड़ नहीं बन रही है, लेकिन माल धीरे धीरे आ रहा है। तो निश्चिंत रहिए, हर की पौड़ी हर की जो हर की पौड़ी का लाइव व्यू आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ताज़ा नज़ारा है, कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है, धूप ज़्यादा है और जल बहुत ही ठंडा आ रहा है, स्नान का लोग आनंद भी ले रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे सभी से भक्तों को ये जानकारी मिल सके, किसी को कोई परेशानी ना हो और जो भी इस बार कांवड़ लेने जाना चाहते हैं वो सभी अपनी तैयारियाँ समय से कर लें। दोस्तों आगे भी इस तरह की अपडेट आती रहेंगी, अभी के लिए इस वीडियो में उतना ही, भगवान भोलेनाथ आपकी कांवड़ यात्रा को सफल बनाए, आपके सभी अनुभव हम लोगों को पूरी करें, आप लोगों को आचार्य पंकज कौशिक व पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।